ये है सैमियो की तरफ से आने वाला माइक्रोलाइट HDMI गेमिंग कंसोल, जो कि आता है 10,000 रेट्रो गेम्स के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग से। तो हमारा ये HDMI गेमिंग कंसोल हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। यहाँ इस तरफ इस पर मिलने वाले कुछ मेन फीचर्स को जो है वो हाईलाइट किया गया है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। बॉक्स में पीछे की तरफ है यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस, और यहाँ इस तरफ मेंशन की गई है इसकी MRP। वैसे MRP है इसकी 4,299, और आप इसे Amazon, Flipkart या फिर ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, और इसको खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कॉन्टेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं ये दो वायरलेस गेम पैड्स। अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। उसके बाद आता है ये कॉम्पैक्ट सा गेमिंग कंसोल। गेम पैड को कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा ये USB वायरलेस रिसीवर। उसके बाद हमें देखने को मिलती है इसे पावर देने के लिए एक माइक्रो USB केबल, और साथ ही में HDMI एक्सटेंडर केबल भी दी गई है। और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस कंसोल को किस तरह से अपने TV के साथ कनेक्ट और ऑपरेट करना है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें बॉक्स में यही सभी कुछ कंटेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। हम जल्दी से चलते हैं अपने गेमिंग कंसोल की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो हमारे 4K HDMI गेमिंग कंसोल हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह के काफ़ी कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन में, और ये सिर्फ इसी एक ब्लैक कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। यहाँ इस तरफ हमें दिया गया है एक USB पोर्ट, जिससे आप इसके साथ में आए हुए डुअल वायरलेस गेम पैड्स को इस USB वायरलेस रिसीवर के थ्रू इस डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और स्टिक में इस तरफ है इसे पावर देने के लिए एक माइक्रो USB पोर्ट। कंसोल में यहाँ इस तरफ हमें दिया गया है एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। देख सकते हो इसमें 64GB का मेमोरी कार्ड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जिसमें हमें 10,000 रेट्रो गेम्स मिलती है। आपको अलग से कोई भी मेमोरी कार्ड परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर इस तरफ है इसका ये HDMI कनेक्टर, जिसे आपको सिंपली अपने TV के HDMI पोर्ट पर कनेक्ट करना है। और यही तो आपका TV वॉल माउंटेड है और HDMI पोर्ट पीछे की तरफ है, तो आप इसके साथ में आए हुए इस HDMI एक्सटेंडर एडेप्टर का यूज़ कर सकते हो। इस एडेप्टर का यूज़ करके आप अपने वॉल माउंटेड TV पर भी पीछे की तरफ दिए गए HDMI पोर्ट्स पर भी इस डिवाइस को ईजिली कनेक्ट कर सकोगे। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में हमें ये मिलता है, और इजी प्लग एंड प्ले सपोर्ट है। आपको सिंपली इसे अपने TV के साथ में कनेक्ट करना है और ये रेडी टू यूज़ है। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं इसके साथ में आए हुए वायरलेस गेम पैड्स की। और इस HDMI कंसोल पर आप 2-player गेमिंग कर सकते हो। हमें यहाँ पर 2 वायरलेस गेम पैड्स दिए गए हैं। यहाँ सामने की तरफ सैमियो की ब्रांडिंग है, और गेम पैड को ऑन करने के लिए हमें नीचे की तरफ यहाँ एक डेडिकेटेड ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। हालांकि कोई भी की यहाँ पर बैकलीड तो नहीं है, लेकिन यार सभी की सभी कीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा ये कंट्रोलर लाइट वेट है, तो ऐसे में आपको इसे होल्ड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ इस तरह के ट्रिगर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। इन वायरलेस गेम पैड्स में आपको लगानी होगी 2 AAA साइज़ बैटरीज। पीछे की तरफ हमें ये बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया है, जहाँ पर लगेगी 2 AAA साइज़ बैटरीज। तो चलिए मैं इस HDMI गेमिंग कंसोल को अपने TV के साथ में कनेक्ट करके इसका गेम प्ले और इंटरफेस आपको एक बार जल्दी से दिखाता हूँ। तो कंसोल को मैंने अपने TV के साथ में कनेक्ट कर दिया है, और मैंने इसे अपने iFalcon के 4K TV के साथ में कनेक्ट किया है, और देख सकते हो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलता है। अब इन वायरलेस गेम पैड्स को अपने गेमिंग कंसोल के साथ में पेयर करने के लिए हमें सिंपली यहाँ से इसे ऑन करना है, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ लाइट्स जो है वो ऑन हो गई है, और हम यहाँ से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ये कौन सा रिमोट है, फर्स्ट प्लेयर या सेकेंड प्लेयर। मैं यहाँ पर आपको दूसरा रिमोट भी ऑन करके दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर सेकंड प्लेयर पर लाइट आ गई है। तो दोनों गेम पैड्स अब हमारे कनेक्टेड है, और मैं जल्दी से आपको यहाँ से गेम को प्ले करके दिखाता हूँ, ताकि आपको इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। देख सकते हो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का क्लासिक गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलता है। डिवाइस की परफॉर्मेंस भी अच्छी है,
और साथ में आए हुए ये वायरलेस गेम पैड भी बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गेम पैड काफ़ी लाइट वेट है, तो ऐसे में ये तो आप इस पर ज़्यादा देर तक गेमिंग भी करते हो तो भी आपको गेम पैड को होल्ड करने में कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। टोटल इस डिवाइस पर 10,000 रेट्रो गेम्स जो है वो प्रीलोडेड है और हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की कॉन्ट्रा जैसी पॉपुलर गेम्स भी मिल जाएंगी। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेट्रो गेम है। अब बात करते हैं इस पर मिलने वाले कुछ मेन फीचर्स की। तो इजी प्लग एंड प्ले सपोर्ट है, आपको सिंपली इसे अपने टीवी के HDMI पोर्ट के साथ में कनेक्ट करना है और ये रेडी टू यूज़ है। 64GB की स्टोरेज है जिससे इस डिवाइस पर हमें मिलती है 10,000 प्री लोडेड रेट्रो गेम्स। उसके अलावा 2 प्लेयर्स का सपोर्ट है और क्लासिक गेम्स को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इजीली इंजॉय कर सकते हो। वायरलेस रेंज भी इसकी काफ़ी अच्छी है और आपको 8 से 10 मीटर की वायरलेस रेंज यहाँ पर मिल जाएगी। 6 मंथ की वारंटी इसके साथ में हमें मिलती है। वैसे तो मार्केट में और भी काफ़ी चीप HDMI गेमिंग कॉन्सोल्स अवेलेबल है, लेकिन एक तो इस डिवाइस पर हमें 6 महीने की वारंटी मिल जाएगी और साथ ही साथ क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, यदि तो आप बजट प्राइस में एक बढ़िया गेमिंग कंसोल को ढूंढ रहे हो जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी के सभी पॉपुलर गेम्स मिल जाएं, तो आप डेफिनेटली सैमियो के इस माइक्रोलाइट HDMI गेमिंग कंसोल की तरफ जा सकते हो। इसको खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी रेट्रो गेम सबसे पसंद है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।